वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम हैदराबाद में हैं। एक्चुअली कल रात को आए थे और बहुत थक गए थे, इसीलिए कुछ व्लॉग नहीं किया। तो आज हम पूरा हैदराबाद का दर्शन करेंगे। सो गाइस, पहले हम बिरला टेम्पल में जाएंगे और वहाँ पे दर्शन लेंगे, और उसके बाद कुछ श्योर नहीं है, देखते हैं कौन सी जगह है नियर बाय टू दैट एरिया। सो वहीं पे एक दो प्लेस देखेंगे है तो, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कुछ प्लान बनाया नहीं। तो गाइस, अभी हम बिरला टेम्पल के बाहर है, मीन्स उसके रास्ते पे है। अभी यहाँ से हमें चल के जाना होगा। एक्चुअली रिक्शा भी जाती है वहाँ पे, लेकिन हमने वॉकिंग जाने का प्लान बनाया है। सो गाइस, अभी हम बिरला टेम्पल में जाकर आ गए हैं, और अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, लाइक मोबाइल भी अलाउड नहीं है वहाँ पे। सब बैग, मोबाइल, कैमरा, सब कुछ बाहर रख के जाना पड़ता है। और अंदर मंदिर बहुत ही अच्छा है, और पूरा का पूरा मार्बल से बना है, और उस पर बहुत सारी मार्बल से भगवान की मूर्ति बनाई है, तो बहुत ही अच्छा दिखता है, और व्यू भी बहुत ही अच्छा है यहाँ से। सो ये पीछे वाली गेट है, मेन गेट है, और ये एग्जैक्टली 12 बजे बंद होती है, एंड वी आर द लास्ट वन टू एंटर द टेम्पल। सो अच्छा हुआ कि थोड़ी भी देर नहीं हुई, नहीं तो अंदर जाने के लिए नहीं मिलता, फिर बाद में 2 बजे खुलता है। यहाँ पे बिरला टेम्पल के जस्ट बाहर बहुत सारे शॉप्स है, और मैं एक शॉप के अंदर भी आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं भगवानों की, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी है, लाइक टॉयज़ है, फिर बाद में वॉचेस है, और बहुत सारे है, सब कुछ है यहाँ पे, शो पीसेस है, सब है। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़, मतलब ये सभी स्टैचू लगे गन मेटल के बनाए हुए हैं सभी, और सबसे अच्छा तो मुझे महाराजा का लगा, ये वाला। तो अभी हम जाने वाले हैं गोलकुंडा फोर्ट, तो चलो। सो गाइस, अभी हम गोलकुंडा फोर्ट जा रहे हैं, और हमने ओला कैब की है। सो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स डिस्टेंस है फ्रॉम बिरला टेम्पल टू गोलकुंडा फोर्ट। ये रहा गोलकुंडा फोर्ट। अभी ये पूरा फोर्ट हम घूमेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं ये पूरा फोर्ट, थोड़ी सी जानकारी भी लेंगे यहाँ से। अभी आप यहाँ पर ये मेन गेट है, बाला हिसार गेट इस गेट का नाम है। इसके अपोजिट आप जो दीवार देख रहे हैं, ये स्क्रीन वॉल है आपके पीछे, वो इनसाइड गेट होता है। आएगा ये अंदर में गेट है, इस गेट में जाएंगे तो ज़माने में टेलीफोन वायरलेस नहीं थे, यहाँ क्लैपिंग सिस्टम बनाया गया था। गेट में ठहर कर आप क्लैप करेंगे, 7 फीट सर्कल में साउंड इको मिलता, वाइब्रेशन 7 फीट बाहर जाने से इको साउंड नहीं मिलेगा। यहाँ जो क्लैप करते हैं ना, वो आवाज़ टॉप बिल्डिंग को सुनाई देती है। ज़माने के टेलीफोन सिस्टम थे, क्लैपिंग यहाँ से किया तो वहाँ पे टॉप बिल्डिंग है। उस ज़माने में टेलीफोन वायरलेस नहीं थे, क्लैपिंग में कोड वर्ड में मैसेज देते थे, एक क्लैप करने से दोस्त आए दुश्मन आए, ऐसे कोड वर्ड आम पब्लिक के रास्ते से जाएंगे, आम पब्लिक का रास्ता और टॉप बिल्डिंग तक जाता है।
हमको पिक रास्ते से आप जाएंगे अकरना माधव है, यहाँ के मिनिस्टर्स का ऑफिस था, सोल्जर बैरक्स, मेगिना गार्डन, डायमंड मार्केट था उस जमाने का। कोहिनूर के बारे में आपको डिटेल बताते हैं, इसी फोन पर यहाँ पे कोहिनूर के बारे में। ओके, कोहिनूर कब आया था, किधर से आया था? ओके, ये तीन वाटर टैंक है, तीन वाटर टैंक बिना करंट पानी की चढ़ाई करते थे ऊपर में, पानी कैसा था कैसे चढ़ाई सबको गाइड समझाते। ये रामदास जी ने 12 साल एक आदमी को कैद करे थे, रामदास कौन थे इनकी हिस्ट्री के साथ, इनके बनाए हुए भगवान के स्टैचू से आपको दिखाते हैं। अंबार खाना इब्राहिम मस्जिद, इस मस्जिद का सेम मॉडल हैदराबाद चार मार में है, मस्जिद कौन है चार मार कौन है इसकी डिटेल बताऊँ। 1143 का टेम्पल है, जगदम्बा महाकाली टेम्पल, जगदम्बा महाकाली फोर्ट से भी 400 साल पुराना दीवार, कौन बनाए थे कब बनाए थे इसकी डिटेल बताते हैं। वो दरबार देखेंगे, दीवाने आम दीवाने खास। ओके, सो पहले वहाँ पे वो मंदिर था, वहाँ पे बाद में फोर्ट बना है, वो 1143 का। हाँ, 1143 से 1687 तक का गाइड बताते हैं। ओके, रिटर्न एंगल पैलेस का रास्ता नहीं था, उसमें लेडीज बॉडी गार्ड रूम, लेडीज बॉडी गार्ड रूम, लेडीज मस्जिद, लेडीज मेकअप रूम, वो 12 नंबर जो दिख रहा है वो डांसिंग हॉल, वहाँ पर शो होता है साउंड एंड लाइट्स, अभी 7-8 रहेगा उसके लिए। रात को वहाँ पे डांसिंग शो है। ये भाग्यमती पैलेस, भाग्यमती पैलेस, तारामती पैलेस, ओके, मस्जिद, नगार खाना, मेन डांसर्स का पैलेस, आर्मर स्टोर है, वो क्या है, आर्मर स्टोर। ओके, रिटर्न गेट में, ओके, उस पैलेस में एक गेस्ट रूम है, जैसे बोलते हैं ना बड़े लोग धीरे बोलो दीवारों के बीच आने के, एक दीवार से आप स्लोली बात करेंगे, 30 फीट पे डिस्टेंस दूसरी दीवार में आपका आवाज अभी भी सुन सकते हैं। जजमेंट हॉल, यहाँ पर आप कोर्ट टच करेंगे उसका भी साउंड एको मिलेगा, तो जिसमें वेपन छुपा के लाने से कोर्ट में निकालने वाला साउंड होगा। ग्राउंड लेवल में यह रहता है जिसमें आपकी स्टेप नहीं है, इसके लिए अगर आप पुल टूर जाएंगे अप एंड डाउन 720 स्टेप्स मेंटेन करना है, 1 hour 45 minutes का टाइम लगता है। का नाम है बाला हिसार, बाला हिसार, बाला हिसार फारसी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया था। ऊपर में जमीन लगती है, 18 फीट का इसका हाइट होता है। इसके अपोजिट ये जो वॉल दिख रहा है इसमें बहुत कटिंग हुआ, दुश्मन लड़ाई के टाइम पर बाहर से देखने से वॉल ही नजर आया। ओके, ये वॉल उस जमाने में एनिमीज एलिफेंट इस्तेमाल कराते थे गेट को तोड़ने के लिए, एलिफेंट का ताकत तोड़ने के लिए खरीब में दीवार बनाया। ये दीवार नहीं रहेंगी, दुश्मन अपना हाथ स्ट्रेट दौड़ा कर रन लगा के गेट को तोड़ सकता है। हाँ, ऐसा ही यू टर्न करके देखें तो घूमने में इसकी फोर ताकत कम हो जाती है ना, गेट को तोड़ा जाता है वो जो हॉट दिख रहा है वहाँ से हॉट आए, हॉट वाटर पड़ा। ओके, सो गाइस यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी एनिमीज पे डालते थे आए तो। हाँ, इधर ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा नहीं उधर आता ही नहीं, इधर वो वाइब्रेशन नहीं है। तो गाइस यहाँ पे वो जो वाइब्रेशन हो रहा है ना 7-foot सर्कल में आता है, इसका कारण है 24 डायमंड कट्स है जो ईरानी आते हैं बनाई जाती है, इस डायमंड कटिंग के संदर्भ में रहेंगे तो ये आवाज़ आएगी। ओके, यहाँ जो ताली बजाते हैं ना ऊपर आते हैं। तो गाइस ये रहा यहाँ का व्यू, अभी तक हम पूरा ऊपर नहीं गए, जस्ट आधे पे ही है, लेकिन यहाँ से आप पूरा हैदराबाद देख सकेंगे। तो गाइस ये है जेल, यहाँ पे रामदास किसी को रखा था, उसके अंदर मंदिर भी है, अभी हमें वहाँ ऊपर जाना है। सो गाइस यहाँ पे एक मंदिर भी है,
सो ये रहा एकदम टॉप गोलकंडा फोर्ट का। ये रहा पूरा हैदराबाद दिख रहा है इधर से, उस तरफ भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये रहा यहाँ का व्यू, यहाँ से हम आए थे, यहाँ से हो रहा है एंट्रेंस। अभी हम इस तरफ से कहीं इस तरफ से निकलेंगे बाहर, यहाँ से नीचे जाएंगे और फिर आई डोंट नो इस तरफ जाने के लिए मिलता है कि नहीं, कि ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं चार मीनार। तो गाइस अभी हम चार मीनार के पास आ गए हैं और ये यहाँ का मार्केट है उसके सामने। सो गाइस यहाँ पे सभी हाय गाइस दुनिया में ये लोग इस जगह पे सभी कपड़े मिलते हैं। पीछे सभी सैंडल्स और जंक ज्वेलरीज थी, अभी यहाँ पे सभी कपड़े हैं। सो गाइस यहाँ पे बहुत सारे कपड़ों की दुकानें हैं। बहुत ही सस्ता, ओनली 50 रुपीस। सभी बच्चों के 50 रुपए के 50 रुपए 50 रुपए। ओके सब 50 से स्टार्ट होते हैं, फिर बाद में आखिरी में होता है 500। ओके आखिरी में 500 का होता है। लास्ट और फाइनल, यस वो वाले टॉप को। गाइस यहाँ पे बहुत ही सस्ते कपड़े मिलते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 50 से ऊपर है और अप टू 500 तक मिल जाते हैं आपको। अभी हम चार मीनार के अंदर आ गए हैं और ये रहा व्यू यहाँ से। फिर हम पैराडाइज बिरयानी में आ गए हैं, यहाँ पे हैदराबाद की स्पेशलिटी चिकन बिरयानी और कबाब ट्राई करेंगे।
यहाँ पे वक्त कैसे गुजर गया इसका पता ही नहीं चला और शाम के 7:30 बज गए और हमने सोचा था कि हम फिर से होटल चले जाएंगे, लेकिन हमें रिक्शा वाले भैया ने सजेस्ट किया कि अगर आप उस तरफ जा ही रहे हो तो इस वक्त तो हुसैन सागर पर ज़रूर रुकना। सो वी प्लान टू गो टू हुसैन सागर। जब हम हुसैन सागर पहुंचे तो हैदराबाद का अलग ही रूप देखने के लिए मिला। ये जगमगाते हुए हैदराबाद के शहर हुसैन सागर से बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, स्पेशली द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सिटी लाइट्स इन दिस वाटर। यहाँ के रास्ते, यहाँ का मौसम, एक अलग ही नशा सा था यहाँ पे, यू नो लाइक इट वॉज समवट मैजिकल। So with that guys, we'll end up this video here, and if you like this video then do hit that like button and subscribe to my channel for future updates, and don't forget to hit that bell icon because that's really important. You can also follow me on my Instagram page. I update my Insta page whenever I visit any places, so you guys will know which video will be coming next on YouTube. With that said, I'll see you next time. Till then, take care and Dev Bare Karu.